ओके, तो हम लोग एलिगेशन शुरू किया था। एलिगेशन कोई चीज नहीं होती है, एलिगेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस इन विच वी आर फाइंडिंग द रेशियो और मिक्सचर। हम लोग मिक्सचर का रेशियो फाइंड करते हैं, किस रेशियो में किस चीज को डालना है, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। ये एक रूल होता है एक तरह का, मतलब। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इनफैक्ट ट्रिक क्या है, ये बहुत कॉमन सी बात है, जो एलिगेशन पढ़ते हैं बच्चे या जो पढ़ाते हैं उन सबको मालूम होती है। देखो ऐसा होता है, हमारे पास दो क्वांटिटी होती है जिनको हम मिक्स करते हैं, हम दो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक क्वांटिटी आप ऐसे लिखना, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, आप यहाँ पे ऐसे लिखना पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, और उसका प्राइस यहाँ पे लिखना जो चीपर है, जो सस्ती वाली चीज है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस जो उससे महंगी है और डियर है। इसको मान लेते हैं ये सी है और ये डियर का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं डी है। हमें इन दोनों को मिक्स करके एक मीन प्राइस दिया हुआ होता है, इसको हमने मान लिया एम। ये मीन पार्टनरशिप का ही पार्ट है ना? अच्छा, नहीं, एलिगेशन स्टार्ट किया था मैंने लास्ट क्लास, में एलिगेशन स्टार्ट कर दिया था। एलिगेशन एंड मिक्सचर एक टॉपिक है आपके कोर्स में, बहुत ज्यादा इसमें से एक क्वेश्चन मुश्किल से बनेगा या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका इसके बाद आता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, उसमें से भी मैंने बता किया तो एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन मान लो। ये बड़ा आसान है और आगे कॉम्पिटिशन वगैरह में काफी आता है, इसे डाला गया एप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो है क्या, मैं आपको समझाया था मुझे, जैसे अभी आप पहले नोट करो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो एक चीज है जिसका कॉस्ट प्राइस है कम, एक और दूसरी चीज है लेकिन सेम है, जैसे टी मान लो, कॉफी मान लो, शुगर मान लो, एक सस्ती वाली शुगर है एक महंगी वाली शुगर है थोड़ी सी। हमें दोनों को मिक्स करके एक और मिक्सचर तैयार करना है, शुगर का मिक्सचर तैयार करना है जिसमें उसका प्राइस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सस्ती वाली थोड़ी सी महंगी हो जाएगी और महंगी वाली थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, ये जो दोनों क्वांटिटी है चीपर और डियरर क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स करें, ये आपका मीन प्राइस होगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो चीपर से मीन प्राइस वाली वैल्यू है, ये जो चीपर वाली वैल्यू और जो मीन प्राइस वाली वैल्यू है, मीन प्राइस ज्यादा होगा, चीपर वाली सस्ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो यहां पर आ जाएगा ये चीपर वाली वैल्यू मीन वाली वैल्यू में कन्वर्ट हुई, मीन वाली वैल्यू में से चीपर वाली वैल्यू का प्राइस माइनस कर दो। इधर जो डेरर वैल्यू है वो मीन वैल्यू में कन्वर्ट हुई, जबकि डेरर ज्यादा थी और मीन कम थी, यहाँ पे आप डी माइनस एम लिख लो इस तरह से, डी में से कितना एम करके माइनस आया, और जो आपकी चीपर और डियर की क्वांटिटी है उसका रेशियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। चीपर रेशियो डियरर इज इक्वल्स टू डी माइनस एम रेशियो सी माइनस एम, ऐसे मिल जाएगा। ये रिक्वायर्ड रेशियो होगा चीपर और डियर क्वांटिटी का जो अपने मीन प्राइस में कन्वर्ट हो गए। आप ये थोड़ी सी पिक्चर बना लो, आपको ध्यान रहेगा कैसे बताया था मैंने ये। बताइए नोटेड सर। हाँ बना लिया, सबने बना लिया। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पर कैसे करेंगे सर। रेशियो ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है चीपर का जो क्वांटिटी है वो ये वाली है डी माइनस एम, और जो डीरर वाली क्वांटिटी है उसका रेशियो लेना है एम माइनस, सर वहां पे आपने सी माइनस एम लिखा। सॉरी एम माइनस सी है। एम माइनस आप जो भी नोट कर लो मुझे बताएं ताकि मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी। यस सर, नोटेड। क्वेश्चन लिखो, इन व्हाट रेशियो इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रॉसर मिक्स वीट एट द रेट रुपीज 2.4 पर केजी एंड रुपीज 2.88 पर केजी। इन दोनों वीट की क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स किया जाए सो एज टू मेक अ मिक्सचर
ताकि आपका जो मिक्सचर तैयार हो दोनों वीट को मिक्स करने के बाद, उसकी वर्थ होनी चाहिए रुपीज 2.52 पर केजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये एक नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए एमसीक्यू में। किस रेशियो में चीपर और डियरर क्वांटिटी के वीट को मिक्स करें जिससे आपका जो मिक्सचर है उसकी कॉस्टिंग इतनी पड़नी चाहिए। तो देखो आपने यहाँ पे लिखा चीपर वाला प्राइस 2.04 सर 2.04, यहाँ पे आपने लिखा जो उससे महंगी वाली चाय है सॉरी जो वीट है 2.88, यहाँ पे आपने बीच में लिख दिया नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे जाकर मीन प्राइस। अब देखो ये वाली जो रेशियो आएगी वो यहाँ पे ऐसे बनानी है आपको, क्या करना है 2.52 में से माइनस करना है 2.04, कितना आया ये 0.48 यही आएगा ना। और ऐसे ही इसको इधर एरो डाल के ऐसे लिखो, इसमें क्या होगा डियर प्राइस में से माइनस हो जाएगा 2.52, ये आया आपका 0.36। लो रेशियो आ गया, डायरेक्ट लिखो। तो जो सस्ता वाला क्वांटिटी है उसका रेशियो होना चाहिए 0.36 रेशियो 0.48, दोनों रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया 36.48, दोनों को 12 से डिवाइड कर लो तो बन गया फी रेशियो को। तो 3 और 4 के अनुपात में अगर आप इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स कर दोगे तो आपकी जो मिक्सचर की जो वर्थ होगी वो 1 kg 2.50 रुपीस आ जाएगी। तो आपको दोनों टाइप के जो बीच है ना उनके रेशियो को लेना होगा 3:4। अगर आप इस रेशियो में मिक्सचर तैयार करोगे ना तो आपका जो मिक्सचर की कॉस्टिंग होगी वो 2.52 पर केजी आ जाएगी। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा अब आप एक फॉर्मूला लिखो फिर मैं आपको ना क्वेश्चन मिक्स करके दे दूंगा। और आप मान लो एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में भी आ रहा है, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है चलो एमसीक्यू में नहीं है, तो भी आप ऐसे ही करो, ये लो ये सॉल्यूशन को ऐसे दिखाएंगे हम तो। अच्छा अब आप ना एक फॉर्मूला और लिखो, एक और पॉइंट इसको मैं ऐसे लिखवाता हूं, चलो इफ y units ऑफ एनीथिंग लिख देता हूं, y units आर टेकन आउट, if y units are taken out from a container having from a container having x units of liquid and replaced by water। मतलब आपके पास एक लिक्विड पड़ा है प्योर है, आपने क्या किया उस x यूनिट्स में से y यूनिट निकाल लिया तो कम हो गया भाई, x में से y निकल गया, x माइनस y है गया, और आपने उस y यूनिट को निकाल के प्योर निकाल कर उसमें उतना ही लिक्विड पानी भर दिया, चलो भर दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब आपका जो लिक्विड जो मिक्सचर है तो मिक्सचर हो गया ना पानी डालने के बाद, वो इम्प्योर हो गया। और आप ऐसे बार बार कर रहे हो, फिर क्या करा आपने, फिर मिक्सचर तैयार हुआ उसमें से फिर वाई यूनिट निकाल दिया, तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो मान लो आफ्टर रिपीटिंग द प्रोसेस अप टू एन टाइम्स। आप मान लो ये बार बार ऐसा करते हो, कितनी बार करते हो मान लो एन टाइम्स, आपको एन की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी, 2 बार करना है 3 बार करना है ये। तो अब जो क्वांटिटी होगी ना प्योर लिक्विड की कंटेनर में वो कितनी रह जाएगी, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, लिक्विड नहीं इनफैक्ट मेरे को लिखना चाहिए प्योर लिक्विड, क्योंकि पहले तो प्योर ही था ना वो तो पानी मिक्स करते करते प्योर हो गया। अब उस कंटेनर में जो प्योर क्वांटिटी है लिक्विड की वो इतनी होगी x मल्टीप्लाई 1 माइनस y अपॉन x टू द होल पावर n, इतने यूनिट्स। अगर आप ये प्रोसेस n टाइम्स तक रिपीट करते हो तो ये भी काम आएगा।
So it is just y upon x, or it's x goes from the one? Just y upon x. One is separated. X multiply bracket 1 minus then y upon x to the whole power n. इज नो वाटर की और बाय की क्वांटिटी सेम है हां जितना आप निकालते हो ना उतने पानी डाल देते हो उससे क्या होता है कंटेनर की जो टोटल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती वो उतनी रहती जितनी पहले थी लेकिन आपको मिक्सचर बनता चला जाता है पानी के साथ मिलके मिलके एक क्वेश्चन का भी ले लेते हैं चलो पहले आप नोट कर लो फॉर्मूले तो और बहुत सारे हैं लेकिन जरूरत नहीं है हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम इन्हीं से अपना काम कर लेंगे चलो क्वेश्चन अ कंटेनर कंटेन्स अ कंटेनर कंटेन्स 160 लीटर्स ऑफ मिल्क अब देखो जो लिक्विड है वो प्योर है और उसमें 160 लीटर मिल्क है फुल स्टॉप 16 लीटर ऑफ मिल्क 16 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट and replaced by water. भाई उसमें से क्या किया किसी ने 16 लीटर मिल्क निकाल लिया और 16 लीटर पानी डाल दिया तो हो गया मिक्सचर पानी और दूध का एंड दिस प्रोसेस और ये प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 times. और इस प्रोसेस को रिपीट किया गया उसके बाद 2 बार और रिपीट किया गया ठीक है तो हाउ मच मिल्क इज द कंटेनर अब देखो मिल्क पूछ रहे हैं वो आपसे मिक्सचर नहीं पूछ रहे मिल्क यानी प्योर लिक्विड कितना है हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन द कंटेनर पहले तो आप मुझे ये बता दो इसमें x क्या है 160. X है टोटल नहीं X वो है जो टोटल क्वांटिटी प्योर लिक्विड की दी हुई है उसमें से जितना आप निकाल रहे हो वो y हो गया आपका 16 लीटर अब ये बताओ ये 16 लीटर बार बार कितनी बार निकाला गया टोटल क्वेश्चन में टोटल 3 आप देखो क्या लिखा है मैंने दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 times एक बार निकाल लिया था शुरू में उसके बाद ये प्रोसेस को रिपीट किया 2 बार तो टोटल 3 बार हो गया अभी ये 160 लीटर टोटल था पहले निकाला 16 लीटर पानी डाल दिया फिर निकाला 16 लीटर फिर पानी डाल दिया फिर निकाला 16 लीटर पानी डाल दिया 3 बार क्यों क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कह रहा है यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो एन को ना इस क्वेश्चन में जनरली सब बच्चे 2 लेके आते हैं जबकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो कहते हैं दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 times प्रोसेस क्या है एक बार 16 लीटर निकल चुका है उस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया यानी कि कुल मिलाकर 3 बार किया गया बताओ कितने लिक्विड है प्योर लिक्विड निकाल के बताओ सीधा सीधा फॉर्मूले में डालना है आपको क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क नाउ आफ्टर रिपीटिंग द प्रोसेस थ्राइस या अप्लाइंग द प्रोसेस थ्राइस देख लो फॉर्मूला है एक्स बाहर है देखो ये टोटल क्वांटिटी 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू दी होल पावर है सीधा सीधा वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करो So 124 to the power 3 सॉल्व करना पड़ेगा भाई y कितना है 16 अपॉन 160 होल पावर 3 16 से गया 160 10 टाइम्स 1 में से 1 अपॉन 10 को माइनस किया 9 अपॉन 10 का होल क्यूब आ गया अच्छा 9 का क्यूब तो 729 होता है 10 का क्यूब 126.64 आंसर चेक कर लेता हूं नहीं आंसर ये दिया हुआ है 116.64 यस सर यही
आ रहा है मेरा. ये तो सिंपल है, देखो अपना 729 को मल्टीप्लाई 16 से कर लो बस, और जो आ जाएगा उसमें डेसिमल ले लिया सर. अच्छा चलो, तो देख लो उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है. देखो भाई 100 से अपना कर लेना, आंसर आ रहा है 116.64 लीटर्स. यानी अगर इस प्रोसेस को तीन बार कोई करेगा, 16 लीटर दूध निकाल के पानी डालता रहेगा, तीन बार ऐसे करेगा, तो तीन बार करने के बाद जब उस पर प्योर लिक्विड देखा जाएगा तो प्योर लिक्विड हो चुका होगा 116.64. और आप जिसको ये तरीका नहीं आता आप उससे नॉर्मली पूछना, आप घर में किसी से क्वेश्चन करना भी, देखो जी हमारे पास 160 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें से पहली बार 16 लीटर निकालेंगे प्योर दूध, पानी भर देंगे उसका, फिर निकालेंगे 16 लीटर फिर पानी भर देंगे, आप बताओ तीन बार निकालने के बाद कितना बचेगा. तो जनरली हिसाब क्या लगाता है इंसान, 16 को तीन बार निकाला है 48 माइनस कर देता है, कहता है 160 में से 48 माइनस कर लो, क्योंकि आपने 48 तीन बार निकाला प्योर मिल्क. और आंसर आता है ऑप्शन में ये भी मिलता है 112 लीटर हो गया. वो कहेंगे अब जो प्योर बचा हुआ है 112 है, जबकि ये गलत है, 116.64 है, क्योंकि जो अगली बार 1 लीटर निकाला गया ना उसमें दूध भी गया और पानी भी गया साथ में, बार खाली खाली दूध नहीं गया. बोलते फिर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला डेरिवेशन इसका बहुत सिंपल है वैसे. नॉट डेरिवेशन समझाओ इसका बहुत सिंपल है, दो तीन लाइन में. चलो देखो इसका डेरिवेशन जाते हैं आपको, कि ये y / x बार बार कैसे आया होगा. देखो हम मान लेते हैं हमारे पास x लीटर्स टोटल है, ठीक है, इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि हम y लीटर्स टेकन आउट करें, एक बारी में हम लोग y लीटर इसमें से निकाल लें और उसके बाद हमने इसमें दूसरा लिक्विड भर दें. तो अभी आप मेरे को बताओ पहली बार निकालने के बाद क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड कितनी होगी, पहली बार निकालने के बाद. सर x माइनस वाई, सिंपल बिल्कुल x माइनस वाई, भाई x लीटर था आपने y निकाल लिया, तो पहली बार निकालने के बाद आपकी क्वांटिटी होगी x माइनस वाई. इसको देखो हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बन जाता है 1 माइनस वाई अपॉन x, ताकि एक ना सिमेट्री बन जाए हर बार, इसलिए ऐसा कर लेते हैं. x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ y अपॉन x हो गया. अच्छा अब आप एक काम करो, ये आपका जो लिक्विड था ना उसमें इतनी क्वांटिटी बच गई. अब आप मेरे को ये बताओ 1 लीटर अगर हम लेते हैं, ये तो आपके पास कितना है टोटल, अभी टोटल x लीटर हो गया ना, ये वापस x लीटर हो गया. क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, अगर हम ये देख रहे हैं तो ये टोटल है x क्वांटिटी. इसमें अगर मैं आपसे 1 लीटर की क्वांटिटी पूछता हूँ, उस लिक्विड के 1 लीटर में कितनी लिक्विड की क्वांटिटी होगी, तो कितनी होगी बता सकते हो, टोटल x में है, ये जो प्योर लिक्विड है ना ये टोटल x लीटर्स में है, और मुझे पता करनी है 1 लीटर मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी है प्योर लिक्विड की. मैं लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड. मेरा क्वेश्चन समझे या नहीं समझे पहले ये बताओ. मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मेरे को आपको जवाब देना है आप लोगों को, ये जो x माइनस वाई क्वांटिटी है y निकालने के बाद उसमें लिक्विड भी डाल दिया या पानी डाल दिया, कोई भी लिक्विड डाल सकते हो, तो आप उसको डालने के बाद आपके पास वापस x क्वांटिटी हो चुकी है. अब वो x लीटर क्वांटिटी हो चुकी है, उसमें आपका जो प्योर लिक्विड है ना वो इतना रह गया है x मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई अपॉन x, x लीटर में इतना प्योर लिक्विड है. मैं पूछ रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड 1 लीटर में कितनी होगी, तो आपने पानी भर दिया, अभी प्योर लिक्विड कितना है आपके पास, x ब्रैकेट 1 माइनस y अपॉन x है, ये आपके पास टोटल x लीटर्स है, x लीटर्स में इतनी प्योर लिक्विड आपके पास. अगर आपके पास x लीटर्स में इतना प्योर लिक्विड है तो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर कितना होगा, तो डिवाइड x कर दो 1 माइनस y अपॉन x होगा. यस सर. अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो 1 लीटर ऑफ मिक्सचर है, अगर हम इसको y लीटर में पूछूं, अगर मैं आपसे क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड अगेन इन y लीटर्स ऑफ मिक्सचर,
बताओ कितनी होगी? ये वन में आ गई है, ये वन लीटर में आ गई है प्योर लिक्विड की क्वांटिटी, तो वाई लीटर में कितनी होगी? तो वैसे डिवाइड कर देंगे वाई से, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड क्यों करोगे? मल्टीप्लाई तो करोगे, देखो आप सोचो ना, आपने वाई लीटर मिक्सचर निकाल लिया था, सेकेंड टाइम वाई लीटर निकाल लिया आपने, उस वाई लीटर मिक्सचर में आपका प्योर लिक्विड कितना होगा? इतना ही तो होगा वाई लीटर में। अगर एक लीटर में प्योर मिक्सचर, प्योर एक लीटर मिक्सचर में प्योर इतना है, तो वाई लीटर में इतना हो जाएगा, इंटू वाई कर दो। Okay. अब ये बताओ, इसमें से अगर हम वापस वाई लीटर निकाल लेते हैं, इसमें से पहले प्योर लिक्विड इतना था ना हमारे पास, उसमें से अब हम इतना प्योर लिक्विड निकाल लेंगे, इतना, तो अब कितनी बचेगी क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड? अब कितना बचेगा? पहले था प्योर लिक्विड x माइनस x इंटू वन माइनस y अपॉन x, उसमें से आपने y लीटर मिक्सचर निकाल लिया, y लीटर मिक्सचर में ऑब्वियस सी बात है कि दूध भी गया होगा और पानी भी गया होगा, तो हम पता लगा रहे हैं भाई अब दूध निकल जाने के बाद कितना मिल्क बचा होगा, तो ये माइनस कर दो। अब बताओ माइनस करने के बाद क्या कॉमन दिखा आपको इसमें से? 1 माइनस y अपॉन x, हां 1 माइनस y अपॉन x कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचा होगा? x माइनस y, क्या मैं ऐसे लिख लूं इसको, x माइनस y कॉमन और यहाँ वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं? यस सर, ऐसे लिख सकते हैं ना, और अगर हम इसमें से भी एक्स कॉमन ले रहे तो ये फिर हो जाएगा वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ये पहले वाला ब्रैकेट और ये वन माइनस वाई अपॉन एक्स पहले से है, कितना हो गया एक्स इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। आपने जब दो बार निकाल लिया है तो दो बार निकालने के बाद आपका जो प्योर लिक्विड है सॉल्यूशन में, अब वो इतना आ चुका है मिक्सचर में, आपका प्योर लिक्विड इतना है दो बारी में। इसी तरह से आप तीसरी बार करोगे, आप तो तीसरी बार जब आप प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, जब आप चौथी बार निकालोगे तो यहाँ पावर फोर बन जाती है। इस तरह से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई दो बार निकालने पे स्क्वायर आ गया, एक बार जब निकाला था तो वन पावर आई थी, देखो ये यहाँ वन पावर आई थी जब एक बार निकाला था, जब दूसरी बार भी निकाली है बाई लीटर्स तो अभी प्योर लिक्विड होल स्क्वायर आ चुका है, तो तीसरी बार जब निकालोगे तो ये होल क्यूब बन जाएगा। आया समय में नहीं आया? Yes, sir. तो इसलिए हमने क्या करा, हमने ये n times निकालने का एक फॉर्मूला बना लिया डायरेक्ट, कि अगर भाई n times अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, बार बार वाई लीटर्स निकालते जाओगे, तो n times के बाद जो लिक्विड बचेगा उसमें प्योर लिक्विड कितना होगा? उसमें प्योर लिक्विड इतना होगा, पावर रहना चाहिए इसमें। आया है? मैं फिर से समझाऊं? ट्राई करना जरा। एक्चुअली ना मुझे को उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं थी, वरना मैं आपको इसका ना प्रूफ जरूर बताता, मैंने इसको डायरेक्ट लिखवा दिया इसलिए। चलो आप ट्राई करके देखो। मैं स्टोल वाइन From a container which contained 40% of spirit solution. स्प्रिट एक तरह का ना लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो आग लगाने के काम आता है, मिट्टी का तेल जैसे काम करता है, जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं स्कूल्स वगैरह में उसमें होता है, जो छोटे छोटे लैंप्स होते हैं उसमें भरा हुआ होता है स्प्रिट, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। अब एक आदमी ने क्या किया, एक कंटेनर से वाइन चुरा ली जिसके अंदर 40% स्प्रिट सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, ही रिप्लेस्ड, और किसी को पता ना चले तो उसने क्या किया, ही रिप्लेस्ड what he had stolen, he replaced what he had stolen with wine, उसने wine ही डाल दी, wine निकाल के वापिस wine डाल दी, containing 60% 16% spirit,
निकाली तो उसने वो वाइन बुवाली जिसमें 40% स्प्रिट था और उसके बदले में वाइन डाल दी जिसमें 16% स्प्रिट था, ठीक है ना, उतनी क्वांटिटी वापस डाल. द रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट क्या हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ ना उसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट. द रिजल्टेंट वॉज नाउ 24%. जो अब जो मिक्सचर तैयार हुआ ना उसमें 24% स्प्रिट रह गई, क्योंकि भाई 40 से वो निकाल के 40 में 16 वाली तो वो निकाल के ले गया. तो ये कह रहे हैं अब 24% रह गया रिजल्टेंट में स्प्रिट की क्वांटिटी. तो क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन या वाइन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन डिड ही स्टील, उसने कितना फ्रैक्शन टोटल का चोरी किया. कितना फ्रैक्शन उसने चोरी किया होगा ये बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है. रेशो 2:1 आ रहा है. हाँ रेशो ठीक बता रहे हो, तो फ्रैक्शन बता दो कितना चोरी किया. ठीक कह रहे हो, 2:1 ही आना चाहिए ना. भाई रिजल्टेंट 24 है तो डीलर प्राइस ऐसे लिख लो ना. आ गया सबका, आ गया वैसे रेशो 2:1. 2:1 रेशो तो आ गया नहीं, 2:1 आएगा. चीपर वाले इधर लिखना है आपको. चीपर वाला कौन सा है, जैसे आप ऐसे मानो ना दो सॉल्यूशन आपके पास, एक 16 वाला है एक 24-40 वाला है, तो चीपर वाला इधर लिख लो 16 और महंगा वाला इधर लिख लो 40, ठीक है ना. मीन यहाँ लिख लो आप, मीन कितना आपका 24, ऐसे लिख लो. तो ऐसे ले जाओ इसको, 24 में से 16 माइनस किए 18 बचे, सॉरी. और इसको ऐसे लिख लो, इधर 40 में से 24 माइनस किए इधर 16 हो गए, तो रेशियो आ गया 16:8 या कह सकते हैं 2:1. राइट, अब बताओ ये 16 वाली जो स्प्रिट है ना, अब वो 2:1 में है, और जो 40 वाली स्प्रिट है जो ओरिजिनल थी वो 1:1 में है, तो कितना पार्ट चोरी करके ले गया होगा वो. इसी से निकालो ना कितना फ्रैक्शन चोरी हुआ होगा. भाई 16 वाला जो है पहले का तो 80/3 आ रहा है. नहीं नहीं 80/3 1/3 तो लेफ्ट रहा ना. अब 40 वाले का रेशियो 1 है सोचो. अब वो 40 वाला जो है मिक्सचर में कितना, 1 किलो है. मान लो मैं कहता हूँ 3 किलो पड़ा हुआ है मिक्सचर, मान लो ठीक है 3 किलो पड़ा हुआ है. मैं आपसे पूछूंगा 3 किलो में 16 वाली स्पीड कितनी है, आप बोलोगे जी 2 kg है, और 40 वाली कितनी आप बोलोगे जी 1 kg पड़ी है. अब ये बताओ जो उसने चोरी किया था उस टोटल फ्रैक्शन का कितना पार्ट था, उसका फ्रैक्शन क्या था, मतलब 24%. हाँ तो 2 वाला पार्ट उसने चोरी किया ना, 16 वाला 2 बचा है, तो उसने चोरी कितना किया, तो ही स्टोल 2/3, 2/सम ऑफ द रेशियो ऑफ द सॉल्यूशन. उसने 2/3 सॉल्यूशन शुरुआत में चोरी किया था, इसका मतलब जितनी भी क्वांटिटी थी, हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी थी, जितनी भी क्वांटिटी थी उसने उसका 2/3 चोरी कर लिया और 1/3 उसने छोड़ दिया, जिस वजह से रेशियो बना आपका 2:1 का रेशियो. तो जो चोरी किया ना वो ये वाला हुआ, क्योंकि चीपर वाला 2 आ चुका है, तो चोरी भी इतना, मतलब महंगे वाला ज्यादा चोरी कर लिया उसने, तो उसने 2/3 तो शुरू में से सॉल्यूशन चोरी कर लिया, तो 1/3 अभी उसके अंदर पड़ा रह गया है. 40% जो स्प्रिट सॉल्यूशन है ना वो 1/3 रह गई है. सर लेकिन जो उसने चोरी किया था तो 40% किया है ना. तो अब देखो ना आप, आपके पास जो कंटेनर था, मान लो मैं कहता हूं इसमें 100 किलो सॉल्यूशन था, मान लो तो इस 100 किलो में 40 किलो स्प्रिट थी और 60 किलो इसमें पानी था,
ऐसे मिक्सचर था पहले ये, तो उसने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट चोरी करके ले गया वो, जितना भी चोरी कर लिया उतना ही उसने वापस भर दिया इसके अंदर, लेकिन वो लाइट वाला भर दिया जो 16% सॉल्यूशन था। 16% का मालूम ये हुआ कि जितना भी उसने डाला होगा ना इसके अंदर, उसमें 16% स्प्रिट थी और बाकी बचा हुआ सारा पानी था। तो हुआ क्या, इसके जो कंटेनर में मिक्सचर जब बन गया तो 24% सॉल्यूशन बन गया ये। 24% का मतलब है अब इसमें स्प्रिट 40% नहीं रह गई, इसमें स्प्रिट रह गई अब खाली 24%। तो उसने कितना पार्ट चोरी किया ओरिजिनल का, ये बताओ ओरिजिनल स्प्रिट का कितना चोरी किया। तो अभी आपके पास जो मिक्सचर आ गया है उसमें दोनों जो स्प्रिट है वो 2:1 के रेशियो में मिक्स हो गई है, यानी जो सस्ती वाली स्प्रिट है वो 2 किलो पड़ी हुई है और जो महंगी वाली स्प्रिट है वो 1 किलो पड़ी हुई है उस मिक्सचर में। तो अब आप सोचो कि 16 वाली 2 किलो पड़ी हुई है और महंगी वाली 1 किलो पड़ी हुई है, मान लो 40 वाली, तो उसने कितना पार्ट चोरी किया होगा 40 वाली का, उसने 1/3 नहीं चोरी किया होगा, 1/3 तो पड़ा हुआ है उसके पास। सोचो 1/3 तो ऑलरेडी है उसके अंदर कंटेनर में है 1/3, तो चोरी कितनी हुई होगी, 2/3 चोरी हुई होगी। इसका मतलब जो 40 वाली है ना वो 1/3 तो अवेलेबल है अब सॉल्यूशन में। देखो कैसे ना, मैंने कहा 2:1 के रेशियो में कोई चीज पड़ी हुई ऑलरेडी, ये कौन सा रेशियो है, ये 16% है और ये 40% है। मैं आपसे पूछूंगा 40% वाली स्प्रिट अभी कितनी है, आप बोलोगे जी 1/3 है, क्योंकि 2:1 के रेशियो में दिख रहा है आपको। मैं कहूंगा अगर 40 वाली अभी 1/3 है तो चोरी कितनी हुई है, तो आप बोलोगे जी देखो 1 टोटल मान के चलते हैं तो 1/3 तो पड़ी हुई है अभी, तो आप बोलोगे 2/3 चोरी हो गई, अभी तो पड़ी है 1/3। यस समझ में आ गया, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का देता हूँ आपको, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में। चलो देखो क्वेश्चन है, टाइप 1 है किसकी, राइस की। एक टाइप है राइस का, इसकी कॉस्टिंग लिख लो, इसकी कॉस्टिंग है ₹15 पर केजी, ठीक है। एक टाइप ये है राइस का। एक और टाइप लिख लो टाइप 2, वो भी राइस है, इसकी कॉस्टिंग है ₹20 पर के, ये 1 किलो ₹20 का आता है, पहले वाला सस्ता है वो 15 पर किलो आता है। अच्छा अब हमने इनको मिक्स कर दिया, टाइप 1 एंड 2 आर मिक्स्ड, आर मिक्स्ड इन द रेशियो। अब देखो जो रेशियो आप निकालते हो ना वो रेशियो इसमें दिया हुआ है, इन द रेशियो 2:3, 2 और 3 के रेशियो में इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइंड द प्राइस, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। जो मीन वाला प्राइस होता है ना वो आपको निकालना है, कि अगर दोनों को मिक्स करने के बाद उसकी कॉस्टिंग अगर मान लेते हैं 2:3 में अगर उसको मिक्स कर दिया है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, जो मीन प्राइस है ना जो बीच में लिखते हो वो निकालना है। ट्राई करके देखो जरा, 18 आ रहा है सर, 18, यस करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल 18। जो मीन प्राइस है वो आपको ₹18 रखना होगा, तब जाके आपका रेशियो 2:3 बनेगा। फिर बाकी लोग बताओ मेरे को आया 18 नहीं आया, मैं समझा दूं। समझाऊं कैसे होगा, ये आ जाएगा 18 सर आगे, बिल्कुल वही एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना जो कॉन्सेप्ट है, सस्ता वाला प्राइस इधर लिखो ₹15, महंगे वाला इधर लिखो ₹20, मीन प्राइस दोनों का एम मान लेते हैं, चलो एम फॉर मीन प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये मीन प्राइस सस्ते वाले से हमेशा ज्यादा होता है, तो यहाँ बनेगा M-15, ठीक है। और ये डीलर प्राइस जो होता है ना ये हमेशा मीन प्राइस से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आएगा 20-M। बस अब ये सस्ता वाला टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 का रेशियो है और ये टाइप 2 का है, इन दोनों का रेशियो बना लो,
20 माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस 15, ये जो क्वांटिटी का रेशियो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम की वैल्यू निकाल दो। नहीं आया समझ में? है ना, तो यहाँ से जो मीन प्राइस है वो 20 रुपए पर केजी आ जाएगा, वरना जनरली क्या होता है मीन प्राइस दे देते हैं रेशियो पूछते हैं, इसमें रेशियो दे दिया मीन प्राइस पूछ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो। इन अ मिक्सचर ऑफ, इसको सॉल्व कर लेना भाई अपने आप, यहाँ से एम की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा रुपीज 18 पर केजी, मतलब मिक्सचर का जो एवरेज प्राइस है वो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर the proportion of water by weight was 75%. ठीक है, if in the 60 ml of mixture if in the 60 ml of mixture 15 ml of water was added, साठ एम एल हमने मिक्सचर का लिया उसमें 15 मिलीलीटर हमने पानी और एड कर दिया, कॉमा what would be the percentage of water in the new mixture, what would be the percentage of water in the new mixture। मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं, 75%, 80%, 90% या 100%। जो नया मिक्सचर आप तैयार करो, 70% बढ़ के निकाल दिया आपने तो, चलो अभी और लोग भी निकालो तब बताऊंगा आंसर सही है गलत है या क्या है। सिंपल है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आपको देखो फॉर्मूले के पीछे नहीं, बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ आप फॉर्मूले के पीछे मत भागो, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन फॉर्मूले से ही होता है, कि एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाओ चीपर डीएरआर वाला या वो बना लो रिपीटेड जो ड्रॉ विड्रॉ करते हैं लिक्विड को, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इतना हमको पता है कि जो पानी और दूध का मिक्सचर बनाया जा रहा है ना शुरू में, उसमें जो वाटर है वो 75% डाला जाता है, बहुत ही पतला दूध होगा इसका मतलब, सिर्फ 25% उसमें अंदर मिल्क होगा, और वो क्वांटिटी आपको दे दी गई लाने के बाद आपको कहा ये लो जी 60 ml पकड़ लो उनसे, इसमें 15 ml पानी और ऐड कर लो, और पानी कर दिया उसको, बहुत आसान, ट्राई करो।
किसी को नहीं आ रहा केतन के द्वारा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो जो मिक्सचर है वो 75% पानी है, जितना भी मिक्सचर है जितनी भी क्वांटिटी है उसमें 75% तो पानी मिक्स है। मान लो मैं आपको कहता हूँ मुझसे आप 100 ml ले लो, तो आप समझ जाओगे इस 100 ml में 75 ml तो पानी है, 25 ml इसमें दूध है, ये मिक्सचर करके बनाया हुआ है इस तरह से। फिर जब मैं आपको दे दूंगा वो मिक्सचर, मैं आपको बोलूंगा इसमें अब आप 15 लीटर पानी और ऐड कर लो, और मैंने आपको कितना दिया, 100 नहीं दिया, मैंने आपको 60 ml दिया उस मिक्सचर का शुरुआत में। अब आपको बोला जाएगा उसमें 15 ml पानी और ऐड कर लो, तो टोटल क्वांटिटी तो हो जाएगी आपके पास 75 मिलीलीटर। अब ये पता करो उस 75 मिलीलीटर में अभी पानी कितना परसेंट हो चुका होगा, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने 60 ml में पानी ऐड करा है, दूध ऐड नहीं करा है, पानी तो और बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो 75 तो आंसर होने से राइस नहीं, तो इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है, 100 भी नहीं हो सकता, तो इनमें से दो में से कोई एक हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा पानी पानी हो चुका है, वैसा नहीं है, दूध है उसके अंदर थोड़ा बहुत है लेकिन अभी है ना, तो 80-90 में से कोई एक आंसर हो सकता है। ऐसे हमने गैस भी कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन 80 है। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, शायद देखो कुछ बच्चों को नहीं आ रहा। पहले तो आप ये पता करो ये जो 60 ml है ना आपको जो मिक्सचर दिया है इसमें पानी कितना है और दूध कितना है। भाई 60 ml है ना तो 60 ml का 75% निकाल लो, इतना तो मिल्क है सॉरी वाटर है, और 60 ml का 25% पानी है उसके अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मिल्क 25% है वाटर 75% है, ये आएगा 25 × 100, 4 से कटेगा, 15 ml तो उसमें मिल्क है, इसका मतलब 40 ml उसमें पानी है। ठीक है, पहले तो हमने बैफिकेट कर लिया कि हमें जो 60 ml दे रहे हो आप उसमें कितना पानी है कितना दूध है, पानी है 45, दूध है उसमें 15। ठीक है, अब आप इसमें पानी और ऐड कर दो, नाउ न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बताओ, 45 ml तो पहले से पानी था, आपने 15 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 45 + 15 60 ml पानी हो गया। अब ये और बता दो टोटल क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, टोटल क्वांटिटी बढ़ चुकी होगी आपकी, कितनी हो चुकी है 75। अब आप सोचो टोटल आपके पास 75 है, उस 75 में कुल 60 ml पानी है, तो दूध कितना बचा रह गया उसके अंदर, अब 15 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, छोटी सी बात, 60 टोटल वाटर है और हमारे पास कुल क्वांटिटी 75 है ना, अब इसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, खत्म, ये हो जाएगी परसेंटेज ऑफ वाटर। तो 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 3 से 60 किया 20 टाइम्स, 20 × 4, इसका मतलब अब जो नई क्वांटिटी बनी है 75 ml, उसमें अब 75 ml में 80% पानी आ गया, अब 20% सिर्फ दूध रह गया, नहीं आया समझ में। तो ये देखो मैंने तो फॉर्मूला यूज किया ना, ये एक बेसिक सी बात थी, इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक था, फिर ट्राई करो। एक और ट्राई करो, टी एट रुपीज 126 पर केजी एंड एट रुपीज 135 पर केजी, ये दो तरह की टी है, दोनों के प्राइस दिए हुए आर मिक्स्ड विद अ थर्ड, ये दो तो थी पहले से थी ना, थर्ड वेराइटी में दोनों को मिक्स कर दिया इन द रेशियो one ratio 2। अब ये रेशियो बन गया तीनों टी का, पहली का 1, दूसरी का 1, तीसरी का 2, और मिक्सचर जो मिक्सचर बन चुका है, मिक्सचर इज ऑफ वर्थ जो मिक्सचर की अब कॉस्टिंग है वो 153 रुपए पर केजी हो गई है, राइट right? तो आपको मुझे बताना है द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी, जो तीसरी वेराइटी थी ना
उसका प्राइस पर केजी कितना है? ऑप्शंस हैं मेरे पास, 169.50, 175.50, 175 प्राइस है, और या फिर 185 रुपए थर्ड वैरायटी का प्राइस है। इस बार मिक्सचर में तीन क्वांटिटी है, देखो 126, 135 और थर्ड वाली का पता नहीं। हाँ रेशियो जरूर पता है, 112 के रेशियो मिक्स किया है, और मीन रेशियो भी पता है, मीन प्राइस पता है 153। इसको आप उससे नहीं कर सकते, ध्यान रखना, वो जो चीपर और डीलर वाला प्राइस वाला मेथड था ना, उससे नहीं कर सकते, वो दो के लिए है। ये नॉर्मल करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सोचना पड़ेगा इसके लिए कुछ। Any guess, any idea? अच्छा कुछ स्टार्ट कर पा रहे हो या बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ये तो बताओ। इजी है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इजी है। No idea. मैं मेरे को यस में कुछ बोलो। सर 169.5 आ रहा है क्या? नहीं ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल, आपको बता बहुत टाइम नहीं लगाते। आप ये मान लो जो थर्ड वाली वैरायटी है ना, उसका प्राइस रुपीज एक्स मान लो पर केजी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 1 किलो ले लेते हैं पहली वाली चाय, 1 किलो ले लेते हैं दूसरी वाली, और 2 किलो ले लेते हैं तीसरी वाली। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने रेशियो को देखकर बोला, इस रेशियो में ले लो कौन सी। अब मैं ले रहा हूँ 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, 3 किलो, 3 किलो, 6 किलो, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, 2 किलो, 2 किलो, 4 किलो, लेकिन क्यों मल्टीप्लाई खानों में बढ़ाए अपनी। तो हमने मान लिया पहले वाली प्राइस 1 किलो लेंगे, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 126, 1 किलो का हो गया 126, प्लस दूसरी वाली भी 1 किलो ली हमने, उसका प्राइस आ गया 1 × 135। तीसरी वाली वैरायटी हमने 2 किलो ली है, उसका प्राइस हमने x माना है। तो ये हो गया हमारा टोटल मिक्सचर का प्राइस हो गया इक्वल टू। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताओ मिक्सचर का एवरेज प्राइस कितना दिया हुआ है, 153। अब ये बता दो मिक्सचर कितने किलो है, पर केजी कितना, हाँ 4 किलो हो गया ना आपके पास, तो 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, तो इसको इंटू 4 कर लो, ये लो मिक्सचर का प्राइस 4 किलो के हिसाब से कितना बैठता है, 153.4, और अगर हम अलग अलग प्लस करते हैं तो वही इतना बैठता है। अब यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकाल लो, अब देखो कितना आ रहा है, तो ये कितना हो गया 153 × 4, 612, तो ये हो गया है ना, ये 126, 135 ऐड कर लो, 251, ये इधर लाके माइनस कर लो, कितने बचे, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया, 361 बचे, 361 हो गए, 261 हो गए, 175.5, 261, हाँ 260, 261 क्यों,
126 प्लस 135 है ना, तो आंसर नहीं सर वो माइनस में 261 होगा। 612 माइनस 251 है ना वहाँ पे, वहाँ पे 261 होगा। अच्छा 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 सॉरी, हाँ ये 261 है सर। ठीक है ठीक, तो 261 माइनस कर लो भाई, एक 11 में से 6 गया, हाँ तो 351 बचा ना, 2x अगर 351 है तो 2 से डिवाइड कर लो, ये वाला आंसर आ गया 175.5, यानी जो थर्ड वाली वैरायटी है उसका प्राइस इतना होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया, नॉर्मल वे में क्वेश्चन सोचा, गॉट इट? करते सभी और करेंगे, अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी चाहे दो क्लास लगे चाहे और उसमें तीन क्लास लगे, करते सभी और करेंगे। हाँ मैं इतना काम ये करूंगा आज, ये जो सक्सेस मंत्रा वाली बुक है मैं इसमें से क्वेश्चन क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, या मैं पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देता हूँ, सो दैट ना मुझे क्वेश्चन बोलने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें करीब करीब 36 क्वेश्चन है, बहुत रहेंगे हमारे लिए, 36 क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है सर, चलिए फिर हम परसों मिलते हैं। ओके थैंक यू सर, ओके ओके जी।